हेलो नमस्कार, मैं हमारे चरण में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। महापंचायत में अतिथि शिक्षकों को अनुबंध की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। ट्रांसफर के कारण और पदोन्नति से आए शिक्षकों कारण अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है, जिससे अतिथि शिक्षक खासी नाराज नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जल्दी सरकार कोई आदेश जारी नहीं करती है तो पूरे प्रदेश भरे में फिर से आंदोलन करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि महापंचायत में अतिथि शिक्षकों को कुछ नहीं मिला और न सरकार ने कुछ दिया है। जो दिया है वो लागू नहीं किया है, खाली वेतन डबल किया गया है, वो भी अभी नहीं मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अतिथि शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द इनका स्थायीकरण किया जाए और जो ट्रांसफर पदोन्नति शिक्षक आते हैं अतिथि शिक्षकों को हटाया ना जाए, अतिथि शिक्षकों का पद रिक्त ना माना जाए, इनका कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरी विस्तार से इसके संबंध में जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए। जय हिंद, आप देख रहे हैं बिंदु पे टीवी। मैं अर्जुन सवाल सभी साथियों का स्वागत करता हूं, बेहद बड़े मुद्दे के साथ उपस्थित हूं। इस समय देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनावी सियासी घमासान चल रहा है और उस चुनावी सियासी घमासान के बीच में सरकार अपने घोषणाओं के माध्यम से यानी महापंचायतों के माध्यम से सभी वर्गों को अपने पक्ष में करने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जब भी प्रयास करती है उस प्रयास करने के बाद में कोई भी आदेश नहीं आना, यहाँ पर एक संदेह पैदा हो जाता है कि आखिर सरकार करना और कहना क्या चाहती है। हालांकि देखा जा रहा है कि अतिथि शिक्षक को तो कहीं न कहीं से डबल वेतन की बात हुई और इनके भविष्य सुरक्षित होने की बात हुई, लेकिन आज भी जब भी नियमित कर्मचारी नियमित शिक्षक जब भी विद्यालय में प्रमोशन या फिर स्नातक होकर के आते हैं तो उसी अतिथि शिक्षक को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो आखिर उस महापंचायत में कही गई बात मध्य प्रदेश के मुखिया के द्वारा आखिर उसका कहां पालन हो रहा है, इस पे कहां सत्ता सामने नजर आ रही है। हालांकि 15 दिन बीत जाने के बाद में जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों का एक विश्वास उठता नजर आया है, उससे कहीं ना कहीं से एक बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। इस तरीके से आवाज पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों द्वारा उठाई जा रही है। जरा सोचिए, क्या वह महापंचायत का जो घोषणा था क्या झूठा निकला, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी षड्यंत्र या साजिश चल रही है? क्या केवल चुनावी सियासी पाले को अपने पक्ष में करने का केवल एक प्रयोजन था? इस पे कहीं न कहीं से कोई संदेह करना कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि ऐसे शिक्षक पूरे शिक्षा जगत को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, नियमित भर्तियां जो समुचित रूप से होना चाहिए वो देखने को मिल नहीं रही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 12 माह तक अतिथि शिक्षकों का अनुबंध और उस पर किसी भी तरह से निकाला नहीं जाएगा। हालांकि आज भी कई सवाल उस पर भी खड़े होते रहे कि क्या जो पुराने अतिथि शिक्षक थे जिस विद्यालय पे, क्या वो अगले वर्ष भी रहेंगे? क्या अनुबंध के बाद में जब भी नियमित कर्मचारी आएंगे या नियमित शिक्षक आएंगे तो क्या तब भी वो रहेंगे? इस पर कहीं ना कहीं से जो भविष्य का जो अंधकार है, जिन्होंने पूरी समय पूरी उम्र इस शिक्षा जगत में गुजार दी, तो शायद उनके लिए आज भी प्रश्नात्मक चिन्ह आज भी लगातार बना हुआ है। हालांकि सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि अगर जल्द ही आदेश नहीं आता है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इन अतिथि शिक्षकों के पाले में, तो कहीं ना कहीं से आंदोलन का रूप अतिथि शिक्षकों के द्वारा देखने को मिल सकता है। हालांकि अतिथि विद्यालयों के लिए आदेश तो आया जो कि बाद में घोषणा की गई, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए आज भी आदेश न आना कहीं ना कहीं से कई सवाल मध्य प्रदेश की महापंचायतों पर खड़े होने लगे हैं। अनेकों जितने भी विभाग हैं जहां पर आउटसोर्सिंग के रूप में अनेकों लोग कार्य करते थे, वो लोग भी महापंचायत की लगातार मांग करते रहे, लेकिन किसी भी तरह से शासन प्रशासन की आंखों और पक्ष और विपक्ष के कानों में जू नहीं रहेंगी है। हालांकि इसमें कई सवाल अब भी खड़े होने लगे हैं। हालांकि खड़े होने का एक जायज जो समय है वो तो बनता ही है कि जब आपने घोषणा कर दी महापंचायत के माध्यम से, तो आखिर आदेश निकालने में आखिर इतना विलंब क्यों? आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं? आखिर अतिथि शिक्षकों के भविष्य के साथ में इतना बड़ा खेल क्यों खेला जा रहा है? क्यों लगातार जब भी नियमित कर्मचारी प्रमोशन या फिर ट्रांसफर होकर आते हैं तो उनको निकाला जा रहा है? आखिर इनके वेतन की जो बात हुई तो वेतन कब से मिलेगी? कई सवाल जो मध्य प्रदेश के अंदर अतिथि शिक्षकों के मानसिक तनाव के रूप में देखने को मिल रही है, जहां पर अब पढ़ाने की बजाय वो अपने भविष्य की चिंता में लग गए कि क्या ये मध्य प्रदेश सरकार के लाली पापी दिखाती रहेगी या फिर कुछ आदेश भी निकालेगी। हालांकि अतिथि शिक्षक के इस पॉलिसी को लेकर के आपकी क्या राय है,
और अभी तक जो आदेश नहीं आया उसको लेकर के आप ही क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना भूलिए।